पहला डिमोटिवेशन तो पहले ही दिन आ गया था, जब शाम को घर पहुंचा अपना बैग वैग लेके कि मैं रिजाइन करके आया हूँ आज घर पे। तो घर पे ऐसा माहौल था कि अब इसने सोच तो लिया है करना है, पर कैसे करना है ना घर वालों को पता था ना मुझे पता था। लेकिन उसके बाद फिर भी खुद को बैक करना ज़रूरी है कि एक बार ट्राई देते हैं, इस साल एक ही ट्राई देंगे। मतलब हमेशा मेरे दिमाग में ये रहा है कि मेरी एज अभी 23 है, जितनी भी मैं ये सोचता था कि यही फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें ही अपना 200% 300% देना है, लेकिन ये क्रैक करना है। डीमोटिवेशन तो शॉर्ट पीरियड में आपको आता रहेगा कि किसी दिन मॉक में मार्क्स नहीं आए तो डीमोटिवेट हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया कि अरे अभी तो घर पे है, अभी जॉब छोड़ के किसी किसी की लगती है, सबकी लगती भी नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा डीमोटिवेट होता था। लेकिन वही मोटिवेशन था कि सामने जैसे स्टडी टेबल के सामने जैसे वॉल है तो लगा लिया कि करना है इस बार। Aspirants, a very warm welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I'm Twinkle Gangwar, your host for today, and we are in conversation with Sumit Kumar. He has his journey and he's going to tell us everything about it. Hi Sumit, kaise hain aap? Hello ma'am, main bahut acha hoon. Aap kaise hain? Main bhi theek hoon, thank you so much. Aapne itna time nikala hamare liye pehle to. सबसे पहले मैं शुरुआत में जानना चाहूँगी आपके बैकग्राउंड के बारे में, आप कहाँ से आते हैं, आपने क्या पढ़ाई करी है, उससे पहले कि मैं जानूँ कि आपकी जर्नी और आपकी सक्सेस क्या है। मैं उत्तर प्रदेश के शहर हापुड़ से बिलोंग करता हूँ और मैंने 10th और 12th अपनी वहीं से कंप्लीट की है। देन मैं गाज़ियाबाद से अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ। देन वहाँ मेरी प्लेसमेंट हुई थी, देन मैंने कोर्स कंसल्टेंट की तरह सेल्स जॉब भी करी है कुछ टाइम, देन उसको मैंने ड्रॉप करके फिर एग्जाम्स की तैयारी करी। और मैं आपको तो आपने डिसाइड कब किया कि मुझे ये जॉब छोड़ कर ये प्रिपरेशन शुरू करनी है? ये ऑलमोस्ट मेरे जनवरी 22 में मेरा प्लेसमेंट हो गया था, तो उसके बाद अप्रॉक्स जनवरी 23 में ही मैंने सोचा कि इसको स्किप करते हैं, बहुत प्रेशर हो रहा है, और तब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी प्रिपरेशन की। सीरियसली मैं अप्रैल से शुरू हुआ था, 3 महीने तो ऐसे थे कि कर रहे हैं देख रहे हैं बस इधर उधर से, फिर अचानक से जो स्पार्क आया वो अप्रैल में आया। तो ये पहली बार आपके दिमाग में आया कैसे, लाइक कि किसी ने सजेस्ट किया आपको या इट वाज ऑलवेज योर ड्रीम, कैसे आया पहली बार? सबसे पहले थोड़ा फैसिनेटिंग लगता था ये, थोड़ा पैसों का लेन देन ये थोड़ी चीज़ें थी। बाकी ये था कि उस जॉब में जब मैं अपना काम कर रहा था तो लगता था कि पोटेंशियल कुछ और करने का है, कुछ हाई पोटेंशियल में रखता हूँ, यहाँ पे मुझे सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए। जब मैंने काफ़ी हार्ड डिसीजन लिया कि इसको ड्रॉप करते हैं और तैयारी शुरू करते, फिर गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, सर्च करा कि कहाँ पर कैसे जल्दी से कैसे मिलता है, तो देखा तो बैंकिंग ऐसे सेक्टर जो जल्दी से जल्दी आपको ज्वाइनिंग वगैरह सब करा देता है, तो मैंने सोचा बैंक की तैयारी करेंगे। उसमें भी चॉइस थी कि क्या तैयारी करनी है, फिर देखते हैं कि चलो सबसे हार्डेस्ट करते हैं तो नीचे के सब क्लियर हो जाएंगे। देखा तो SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है, वो हर साल वैकेंसी आती है, तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ तक आऊँगा। ये था कि एक जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मैंने अपना पोटेंशियल कभी उतना समझा नहीं था। मुझे लगता था कि क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, एक टैग मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब है और अपना घर चल जाएगा। कभी नहीं सोचा था कि SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर तक मैं ऐसे आ पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इस बैंकिंग एग्जाम ने आपको बताया कि आपका पोटेंशियल बहुत वास्ट है। एक्चुअली ये तो शुरू से ही था, मतलब जब तैयारी करी तो लगा कि अरे ये भी समझ आ रहा है, फिर थोड़ा हाई लेवल जाके देखा कि ये भी समझ आने लगा है, तो फिर लगा कि ऑफिसर के लिए बने हैं। जब ऑफिसर का प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो यहाँ रेस में तो है। तो 12th तक आपका मैथ्स अच्छा था, यू लाइक्ड मैथ्स? 9th तक मेरा मैथ्स बहुत खराब था, फिर उसके बाद ट्यूशंस वगैरह लगा के फिर मेरा मैथ्स धीरे धीरे बहुत फेवरेट हो गया। आज भी मेरा सबसे फेवरेट मैथ्स ही है, रीजनिंग से भी ज़्यादा फेवरेट मैथ्स ही रहा है। तो आपने इस एग्जाम के लिए कितने अटेम्प्ट्स दिए? ये मेरे इस साल 5 एग्जाम्स क्लियर हुए, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? सभी में फर्स्ट अटेम्प् था और सारे क्लियर हुए आपके ऑलमोस्ट? RRB PO नहीं हुआ बस मेरा, उसके बाद जितने भी हुए सब क्लियर हुए। तो आपने कोई ज्वाइन किया था उसके अलावा? नहीं, ज्वाइनिंग का प्रोसेस तो अभी चल रहा है, अभी किसी का DV आया किसी का नहीं आया, तो मैं स्किप करता जा रहा हूँ, क्योंकि SBI PO ज्वाइन करना है। एब्सोल्युटली। तो सिंस आपका एक साल का जर्नी था, पर उसमें भी कई उतार चढ़ाव आए होंगे जहाँ पर आप डीमोटिवेट हुए होंगे कि मैंने जॉब छोड़ी है अच्छी खासी, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ, आई एम नॉट अर्निंग राइट नाउ, तो उसके लिए आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते थे? पहला डीमोटिवेशन तो पहले ही दिन आ गया था, जब शाम को घर पहुँचा अपना बैग वैग लेके कि मैं रिज़ाइन करके आया हूँ आज घर पे। तो घर पे ऐसा माहौल था कि अब इसने सोच तो लिया है करना है, पर कैसे करना है ना घर वालों को पता था ना मुझे पता था। लेकिन उसके बाद फिर भी खुद को बैक करना ज़रूरी है कि एक बार ट्राई देते हैं, इस साल
एक ही ट्राई देंगे, मतलब हमेशा मेरे दिमाग में ये रहा है कि मेरी एज अभी 23 है, जितनी भी मैं ये सोचता था कि यही फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें ही अपना 200% 300% देना है, लेकिन ये क्रैक करना है। डीमोटिवेशन तो शॉर्ट पीरियड में आपको आता रहेगा कि किसी दिन मॉक में मार्क्स नहीं आए तो डीमोटिवेट हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया कि अरे अभी तो घर पे है, अभी जॉब छोड़ के किसी किसी की लगती है, सबकी लगती भी नहीं है, तो वो थोड़ा थोड़ा डीमोटिवेट होता था, लेकिन वही मोटिवेशन था कि सामने जैसे स्टडी टेबल के सामने जैसे वॉल है तो लगा लिया कि करना है इस बार, तो छोटी छोटी मोटिवेशन खुद ही लेता रहता था, और मोटिवेशन अपने आप भी आता है, जैसे मैंने बताया मॉक में मार्क्स कम रह गए, उसी दिन ज़्यादा भी आ गए तो मोटिवेशन आ गया कि अरे चलो एक स्टेप आगे चल रहे हैं। प्लस इतनी कुछ चीज़ हाथ में हासिल करने के बाद उसे छोड़ना, खुद का डिसीजन लेना, तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना भी बहुत जरूरी होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वर देयर डेज जब घर वालों ने बोला कि क्यों छोड़ा बेटा आपने जॉब? इस तरीके से नहीं था, घर वाले काफ़ी सपोर्टिव रहे शुरू से ही कि ठीक है जब इसका डिसीजन है तो कर ही लेगा, बाकी तो फादर और मदर दोनों काफ़ी सपोर्ट करते हैं, सिस्टर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस चीज़ में कि कर लोगे, आपके बस की है एक्चुअली में, और ऑफिसर बनने लायक हो मुझे तो नहीं लगता था कभी, लेकिन हाँ ठीक है करेंगे धीरे धीरे। तो फिर जब देखा कि घर वालों की उम्मीद आपसे बन जाती है, और जब आप देखते हो कि यूट्यूब पे किसी ने क्वेश्चन कराया कि कौन इसका आंसर पहले बताया, तो लाइव चैट में सब पहले लिख दे रहे, तो मैं सोचता था कि मेरे हाथ क्यों नहीं चल रहे अभी तक भी, मैं इतना लेट क्यों आंसर दे रहा हूँ, वो सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब मैंने वो प्रैक्टिस एकदम रिगरसली स्टार्ट कर दिया अप्रैल के बाद से, तो डेफिनेटली मैं भी फिर उन्हीं नाम में मेरा भी नाम आया, मैं भी पहली लिख दे रहा हूँ, तो लगता था फिर धीरे धीरे बैक हो गई। तो बेसिकली जो वो आपका एक फियर था कि आई डोंट डिजर्व टू बी हियर, वो आपने अपनी मेहनत से ओवरकम किया, और फिर अब आप कॉन्फिडेंट थे कि अब तो हो जाएगा, एक ही साल के अंदर अंदर ये जर्नी थी। हाँ ये हाँ इसी एक साल भी पूरा नहीं है, मतलब मैंने आपको बताया कि अप्रैल से मैंने मेन शुरू किया था, मतलब कि प्रीलिम्स थोड़ा थोड़ा कर रहा था, लेकिन मैंने मई तक ऐसे किया कि एकदम रिगोरस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, और जून से मैंने मेंस का प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था कि सितंबर में मेंस है, लेकिन जून से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पता है कि बाद में जाके तो ऐसा हो जाएगा कि आज इसका प्रीलिम्स है कल उसका मेंस है, तो और भरोसा भी था कि इस बार मेंस में बैठना है। हाँ तो सो विद इन दिस जर्नी अप्रैल से जून तक की जर्नी में आपके अंदर वो आपकी मेहनत से वो कॉन्फिडेंस आया कि आई हैव दैट इन मी। मेरे को लगा कि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पहले मुझे थोड़ा टाइम लगता था, एक टाइम ऐसा भी था पजल प्रीलिम्स की पजल बनाने में, क्लर्क लेवल की पजल बनाने में 5 से 7 मिनट लग रहे हैं, फिर उसको मैं धीरे धीरे 1 मिनट तक भी लेके आया, फिर ऑफिसर लेवल की जो पजल्स होती हैं उनको 2 से 2.5 मिनट पे लेके आया, तो लगता था कि इस बार क्रैक कुछ तो हो जाएगा, छोटे लेवल का हो जाएगा पर हो जरूर हो जाएगा। उसी की वजह से फिर मेंस के लिए मोटिवेशन आया कि यार प्रीलिम्स में अच्छा तो कर ही रहे हैं, जब देखा कि हमारा भी 90% आ रहा है, अब रेगुलर मॉक टेस्ट में आने लगा है, तो लगा कि मेंस के लिए भी स्टार्ट कर देना चाहिए, अब कैसी देर करनी, और मेंस के टाइम पे भी फिर प्रीलिम्स को भी दिन में एक मॉक दे दिया, क्योंकि माइंड ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि आपने आज सिर्फ मेंस पढ़ लिया तो फिर वो माइंड सोचेगा कि अरे अब धीरे धीरे काम करना है, लेकिन साथ में एक प्रीलिम्स का मिक्सचर जरूरी हो जाता है। सो इससे आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि आपने प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि आपने एक साल भी नहीं कुछ महीनों में और एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो आपकी प्रिपरेशन क्या थी, और सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज लेके जाएंगे कि इंग्लिश के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू यू, और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए लोगों की? इंग्लिश तो मतलब मुझे लगता है कि शुरू से मेरी थोड़ी ठीक ही रही है, लेकिन मैंने ऐसा कोई ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज फॉलो नहीं किया, सिर्फ एक सोर्स फॉलो किया था, मतलब निमिषा मैम को मैं हमेशा से फॉलो करता आ रहा हूँ, उन्हीं का कोर्स देखा, तो उन्होंने बताया था कि ये मेरा बैच है आप इसे कर लो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और एक टाइम पर आगे आपको अपने फैकल्टी पर भरोसा तो करना ही पड़ता है, आप सोचते हो कि अरे वो कोई फैकल्टी आपको हार्ड क्वेश्चन करा रहा है, तो आजकल एस्पिरेंट को लगता है वो हार्ड करा रहा है, वो कुछ अच्छा करा रहा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैंने निमिषा मैम को फॉलो किया शुरू से, और उनका ही सुबह का 1 घंटे का लेक्चर होता था, 1 से 1.5 घंटे का, मैं उसको रोज़ देखता था, मैंने कभी ये नहीं करा कि मैं वो कैप की बुक लेके पढ़ रहा हूँ या फिर कहीं अलग से नोट्स लिख रहा हूँ, हमेशा सिर्फ उसी क्लास पे था कि मैंने 1.5 घंटा सुबह इंग्लिश पढ़ लिया, मेरा दिन का इंग्लिश का हो गया, मेरी यही स्ट्रेटेजी रहती थी, और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया तो लिख लिया, लेकिन जनरली जो जो वो मिक्स टॉपिक्स कराते रहते हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वर्ड स्वैप, ये मैच द फॉलोइंग, फिलर्स, इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा ही पेपर में आपको दिखाई देते हैं, तो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, उनके जो वीडियोस होते थे रोज़ वहाँ से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कि आपको कहीं बुक्स की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, दिन के 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो उन्होंने करा दिए, यूट्यूब पे एडिटोरियल सेशंस आते थे उनको फॉलो करता था, न्यूज़पेपर भी मैंने तो नहीं पढ़ा, खैर मतलब लोग बताते हैं कि मैंने एडिटोरियल फॉलो किया इस न्यूज़पेपर, मैं तो उन्हीं से पढ़ता था, एडिटोरियल भी उन्हीं के सुबह देख लिए, 1 घंटे का एडिटोरियल, 1.5 घंटे की क्लास हो गई इंग्लिश की,
तो 2.5 घंटे की इंग्लिश दिन में मेरे लिए सफिशियंट हो जाती थी. और धीरे धीरे वो जो वर्ड्स जो मैम ने कराए और मॉक टेस्ट भी मैं काफ़ी सारे इंग्लिश के सेक्शनल देता था, तो फिर वर्ड्स एक तरीके से साइकिल चलने लग गई. कि और होता क्या है कि मॉक टेस्ट में आपने कोई ऑप्शन पे क्लिक किया तो जब आप आंसर देखते हो तो जो बचे हुए वर्ड्स हैं जो अदर ऑप्शंस में होते हैं उनका भी मीनिंग होता है, तो वो भी पढ़ लिए एक बार. आप हर चीज़ हर वर्ड को आप लिख नहीं सकते कि आज मुझे 4 वर्ड नहीं मिले, मैं इसको कॉपी में लिख लेता हूँ, तो वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी. जब बाद में देखोगे तो आपसे ही नहीं पढ़ी जा रही वो. तो बस एक वो माइंड में बस याद रहना आता है, अगर थोड़ा बहुत आपको याद रह गया तो आप टिक कर देते हो. तो वही एक स्ट्रेटेजी रही है मेन तो इंग्लिश में आपकी ये स्ट्रेटेजी थी. लवली, तो अब ये तो थी इंग्लिश की, नाउ कम्स रीजनिंग जो कि कहा जाता है फेवरेट है सबका. क्या वो आपका फेवरेट था? फेवरेट तो नहीं पर अच्छा लगता था. अच्छा लगता था, यू एंजॉयड डूइंग इट. क्वांट से कम फेवरेट था. क्वांट ज्यादा फेवरेट था. ऑलराइट, तो रीजनिंग के लिए आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया? और जैसा कहा गया है कि थोड़ा सा टफ आया था इस साल पेपर रीजनिंग का, तो आपने उसके साथ कैसे डील किया? क्योंकि ये सेकंड फेवरेट है तो आई एम श्योर उसकी मेहनत भी ज्यादा करी होगी आपने, तो कैसे उसके लिए अप्रोच किया आपने? रीजनिंग के लिए सबसे पहले तो मतलब ओवरऑल में बात करूँ तो पहले तो मैंने सिलेबस ही देखा था. तो रीजनिंग का मैंने सिलेबस देखा तो लगा कि ये तो बचपन में भी ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं ओलंपियाड वगैरह होता रहता तो वहाँ तो करते रहते हैं. पर जब जाके देखा तो लेवल काफ़ी अलग है. सबसे पहले मैंने एक बैच कम्प्लीट किया कि प्रॉपरली कि बेसिक से साफ साफ करके उसके नोट्स बना लिए मैंने कि ये मेरा रीजनिंग का. एक टाइम के बाद आपको उस नोट्स को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप बहुत सारे मॉक्स दे देते हो. तो मैंने सब लिखा, सब चीज़ को समझा, सिलॉग्स हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, और सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया. जैसे मैंने बताया पहले मैं 10 मिनट 11 मिनट लेता था, फिर मैं उसको 2 से 2.5 मिनट पर भी लेकर आया. तो पहले मैंने एक बार बैच कंप्लीट कर लिया. और मैं समझता हूँ रीजनिंग एक ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप सब्जेक्ट है. आप उसमें ये नहीं कर सकते कि मैं ये स्पेसिफिक पढ़ूंगा, इस तरीके से पढ़ूंगा. हमेशा अपने आप को ना माइंड को ट्रेन करते रहना है. और जो भी नई पज़ल मिली, जैसे मॉक्स में भी आपको काफ़ी सारी पज़ल मिल जाती हैं, आप 10 मॉक दोगे आपको 10-20-25 नई पज़ल मिल जाएंगी, आप उनको सॉल्व करते रहो. रीजनिंग में ऐसा कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी की मतलब कंसेप्चुअल तो होता है लेकिन ऐसा नीड नहीं है कि मुझे बहुत डेप्थ में पढ़ना है. बस ये है कि माइंड को ट्रेन करते रहना है कि आज रीजनिंग कर रहा हूँ तो अपना कैलिबर को पुश करते रहना है. और एक टाइम आएगा कि सिलॉग्स का क्वेश्चन देखोगे नीचे आप सर्कल बना के ए इज़ नॉट बी, बी इज़ नॉट, इस तरीके से आप अपने आप ही करने लग जाते हो. तो जितना रीजनिंग में हार्ड लेवल जाओगे तो उतना ज़्यादा आपको हेल्प करता है, मतलब प्रैक्टिस कर करके कि आपको एक टाइम बाद खुद ही पता लगने लगता है कि मैं क्या क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, कितने टाइम मुझे लग रहा है इस टाइम पे. सिलॉग्स भी मुझे एक टाइम पे 5-6 मिनट लगते थे, मैं सर्कल ही बनाता रह जा रहा हूँ, लोग आंसर लिख दे रहे हैं. फिर एक टाइम आया मैं 1 से 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन का सेट खत्म कर दे रहा हूँ. तो ये सब उसी के ऊपर है, प्रैक्टिस का ज़्यादा खेल है रीजनिंग में. ऐसा जो कंसेप्ट की तरफ नहीं जाना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना. एक बार आपने समझ लिया, बेस आपको क्लियर हो गया, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहिए, आपका माइंड ट्रेन होता चला जाएगा अकॉर्डिंगली. बेसिकली रीजनिंग इज लाइक रनिंग, एक एक्सरसाइज की तरह है कि आप करते रहें और उसमें आप बेटर होते जाएंगे. सो ये आपकी उसकी स्ट्रैटेजी थी. अब आया आपका फेवरेट दैट इज क्वांट. उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया आपने और आप क्या स्ट्रैटेजी बोलेंगे कि एस्पिरेंट्स कैन आल्सो टेक दैट? क्वांट्स का तो हम ये था कि जो लेवल बैंक में पूछा जाता, मतलब मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने वहाँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह ही पढ़ी है, तो मुझे लग रहा था ऐसा कुछ होगा. तो जाके देखा तो काफ़ी नॉर्मल था. शुरुआत में लगा कि अरे मैं तो इतना हार्ड पढ़ के आया हूँ, ये तो ऐसी चुटकियों में हो जाएगा. लेकिन जब मैंने सॉल्व करके देखा, फिर देखा जिस स्पीड की उसमें रिक्वायरमेंट है वहाँ तो मैं कभी पहुँच ही नहीं पा रहा था. तो क्वांट्स के लिए मैं सबसे बेसिकली पहले ये बताऊँगा कि जो आपके जो सबसे बेसिक टॉपिक्स हो, जैसे सिम्प्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, ये तो ऐसी चीज़ें आपको हमेशा टिप्स पे होनी चाहिए. आपका एग्ज़ाम ओपन हुआ है, आपको 1 मिनट में वो कैसे भी करके उनको करके निकल जाना, मतलब 5 मिनट में. और एक्चुअली मतलब जो आपका जो स्पीड मैथ्स का है, मैं 1 मिनट कह रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन वगैरह के लिए. बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब आती जो आपको साइन से ही पता लग जाना चाहिए कैसे हो रहा है, ये ओवर टाइम आता है. आप सोचो कि मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो ओवर टाइम आता है. पहले आपको लिख के करना पड़ता है. एक टाइम था जब मैं टेबल्स याद करता था, स्क्वायर्स याद किए हैं, क्यूब्स याद किए हैं, फिर उनके क्यूब रूट निकालने की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, ये सब याद करनी पड़ी शुरुआत में. लेकिन एक टाइम में इतना हैबिचुअल हो गया कि अपने आप ही मतलब आप डिजिट्स देखोगे ना तो उससे एक टाइम का एक ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप डिजिट्स देख के बता सकते हो कि ये इसका अंडर रूट है, ये तो उसका स्क्वायर है, ये तो ये नंबर कहीं देखा हुआ लग रहा है. तो क्वांट्स में आपको ऐसा रहता है, नंबर के साथ फैमिलियरिटी आपको रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको देख के पता लगना चाहिए कि ये उस चीज़ को डिनोट कर रहा है. जैसे कहीं पर लिख रहा है कि 1225, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि अरे तो 35 का स्क्वायर लिखा हुआ है. इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं. और कुछ मल्टीप्लिकेशंस के ट्रिक्स भी होते हैं, 11 का मल्टीप्लाई का ट्रिक होता है. तो जो बैंक में एग्ज़ाम जो आपका पेपर आता है वो आपको इसी तरीके से फंसाता है. आपको लगता है कि अरे ये तो मैं ऐसे करके ले जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी ट्रिक लग रही होती है जो आपको ने अगर नहीं पढ़ी तो
क्वेश्चन नहीं बनने वाला। कभी कभी हम कभी कभी चीज़ों को ईगो पे काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं कि स्पीड मैच से कैसा पोर्शन होता है ना कि ईगो पे ले लेते हैं कि यार घर पे तो ऐसे 10-10 सेकंड में बना रहा था, यहाँ तो करके ही जाऊँगा। ये बात जो एग्जामिनर है वो भी जानता है कि बच्चा सिंप्लीफिकेशन या ये सब ईजी पार्ट बहुत अच्छे से करके आ रहा है, वो वहीं पर उसको फंसा देगा, वो रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा या फिर ऐसी नंबर सीरीज दे देगा जिसमें डबल ट्रिपल डिफरेंस तक भी नीचे तक आपको बनाना पड़ रहा है, और सिंप्लीफिकेशन में ऐसे पॉइंट में डेसिमल में हार्ड सी डिजिट दे देता है, तो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करता है वो। लेकिन काफ़ी चीज़ें आसान होती हैं, सच कोई हार्ड नहीं होता, लेकिन कभी कभी ईगो पे लेके लोग ख़राब कर लेते हैं कि ये एक सिंप्लीफिकेशन घर पे तो ऐसे बन रहा था या बना के रहूँगा, पता चला कि एक क्वेश्चन में आपका 1.5 मिनट भी खर्च हो गया कभी कभी। तो वो चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। आप कभी भी प्लानिंग करके नहीं जा सकते क्वांट के लिए कि मैं जाऊँगा और सिंप्लीफिकेशन पहले आएगा वो कर लूँगा, पता चला उस पर इसने इस बार सिंप्लीफिकेशन ही हार्ड दे दिया और उधर DI आसान पड़ी हुई है, बच्चे वो बना के ले जा रहे हैं और इधर हम सिंप्लीफिकेशन में ईगो में अटके हुए हैं या क्वाड्रेटिक सीरीज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ DI पे आती है, DI की थोरो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और मैंने बहुत बार सुना है कि मतलब एस्पिरेंट्स को मैं बोलते हुए देखता हूँ कि सर ऐसा कुछ बता दो कि अरिथमेटिक छूट जाए और DI और स्पीड मैथ से कुछ नंबर निकालने, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होने वाला। आप अरिथमेटिक को यहाँ छोड़ के जाओगे वो आपको मेंस में पकड़ लेगा, वहाँ पे उसके बिना तो मेंस में आपका अरिथमेटिक के बिना कुछ नहीं होना। तो शुरू से ही मतलब आप क्वांट में नहीं रह सकते, मैं ये टॉपिक छोड़ के जाऊँगा, वो सब कुछ करके चलना होता है। जिस टॉपिक को आप छोड़ के जा रहे हो बाद में आपको आप घर जाके देख रहे हो कि अरे एग्ज़ाम में जिस टॉपिक में छोड़ के गया था उसका बहुत ईजी क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो एग्जामिनर भी हमारी समझता है हमारी बातों की भाई क्या बातें चल रही हैं इधर उधर। तो क्वांट्स के लिए आपको बेसिकली सबसे पहले स्पीड मैथ्स, देन आपको DI की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, देन आप धीरे धीरे अरिथमेटिक को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक बैच कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है कि एक बार मैं देख लूँ कि एक्चुअली सिलेबस होता क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर तो टेलीग्राम पे PDFs और इधर उधर की बुक्स तो बहुत सारी हैं। एब्सोल्युटली। सो ये तो हमारा था प्रीलिम्स का प्रिपरेशन। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ओवरऑल आपके हिसाब से क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक एस्पिरेंट को याद रखनी चाहिए टू क्लियर द एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें आपके हिसाब से? दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक भी दिन नहीं छोड़ सकते। मुझे तो याद नहीं कि मैंने कभी अपनी जर्नी में एक भी दिन छोड़ा होगा। मैं कहीं बाहर फंक्शन भी मैं अटेंड करता था, तो फंक्शन से शाम को आया तो करके सोना है, किसी दिन फेस्टिवल है, दिवाली के दिन भी मैं पढ़ाई कर रहा था दिन में, दिवाली तो सब रात को ही बनाएंगे ना, तो मैं दिन में पढ़ाई कर रहा था। तो कभी भी एक भी दिन नहीं छोड़ना है। और मैं एक थोड़ा इंडिकेशन दे दूँ सही तैयारी का, क्या इंडिकेशन, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप एक दिन नहीं पढ़े और आपको शाम को गुस्सा आ रहा तो आप राइट ट्रैक पे हो, तो आपको पढ़ाई करते रहना। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे कि कोई भी जस्ट एग्जांपल की कोई पज़ल है, आपको आज 1 मिनट लग रहा है, आप उस पज़ल को या किसी और पज़ल को 2 दिन बाद लेके बैठोगे आपको 5 मिनट लग रहे होंगे। आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है बैंकिंग की प्रिपरेशन में, अगर आपको टाइम को अपने कॉन्स्टेंट बनाए रखना है। और दोनों चीज़ें हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से आपको तेज़ माइंड चलाना है माइंड, और मेंस के टाइम में थोड़ा कॉन्शियस रहना है, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो इस और दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट, अपने जो दिन को है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिकली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि मैथ्स आज मेरा फेवरेट मैथ्स है तो मैं मैथ्स करूँगा, आज रीजनिंग करूँगा, कल मैं इंग्लिश करूँगा। पूरे दिन आपको सभी चीज़ का फ्लेवर लेते रहना है, नहीं तो फिर चीज़ें फिर पाथ से भटकने लग जाती हैं। आपको लगता है आपने 2 दिन पहले क्वांट पढ़ी, आप 4th दिन उसको लेके बैठ रहे हो कि अरे ये तो उस दिन बन रहा था आज नहीं बन रहा, तो इक्वली टाइम लॉस्ट टच विद दैट। रोज़ आपको सब चीज़ के लिए इक्वल टाइम देना पड़ेगा। तो जैसे कि आप कह रहे हैं रोज़ आपको सब चीज़ों के लिए इक्वल टाइम देना पड़ेगा, तो आपका भी कोई डेफिनेट टाइम टेबल होगा कि ये आप फॉलो करते हैं, या कभी कभार मैसेज आता होगा, तो मेजरली आपका टाइम टेबल क्या होता था? मेनली टाइम टेबल तो ये रहता था कि सुबह माइंड फ्रेश रहता है, तो सबसे पहले तो जो सबसे बोरिंग है उसको उठा लो, GS को पकड़ लिया। तो मैं सुबह सुबह GK का लेक्चर देखता था YouTube पे ही, हर फैकल्टी कराता है 1 घंटे का, 1.5 घंटे का लेक्चर, डेली करंट अफेयर का लेक्चर होता है, वो कर लिया। उसके बाद थोड़ा ब्रेक, फिर उसके बाद आपका इंग्लिश की क्लासेस जो मैं बता रहा था, एडिटोरियल प्लस आपका जो मेन जो इंग्लिश का क्लास होता है वो आपने कवर कर लिया। फिर थोड़ा आराम से आप ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इतने में ही आपकी दोपहर हो जाए। क्योंकि मैं तो ऐसा था कि मैं आफ्टरनून से पढ़ना स्टार्ट करता था, मैं सुबह 11 बजे के आसपास लेके बैठता था और फिर रात का पता नहीं है, 2 बज गए 2:30 बज गए रात को कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं रात को मुझे सही समझ आता था ज़्यादा। तो आपका GA हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, या आपका डन हो गया फ़िलहाल के लिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अब मतलब अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स को फोकस करके आप शाम तक प्रीलिम्स को ख़त्म कर लो, तीनों सब्जेक्ट को अपना सही से टाइम दो, 2-2 घंटे भी देने पड़े तो दो। मैं ये नहीं कहता कि किसी का पोटेंशियल कुछ है किसी का कुछ है, मैं दिन में 11 से 12 घंटे
रोज पढ़ता था मैं, मतलब अपने आप ही एक स्पार्क था अपने अंदर की करना है, यही फर्स्ट और लास्ट है, अब कुछ देना है फैमिली को, तो मैं तो इतना ही पढ़ता था। उसके बाद आप अपना बैंकिंग अवेयरनेस, मैं जीए का लेक्चर अलग बता रहा हूँ, करंट अफेयर का लेक्चर आपने पढ़ लिया, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस मीन्स में तो आनी, तो बैंकिंग अवेयरनेस का भी लेक्चर आप शाम में कर सकते हो। उसके बाद अब शाम को मैं करता था जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर के बाद, जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं, जो मॉक्स में मेरे जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनसे मैं अलग ही डर लगता है, SI CI इन सारी क्वेश्चन अचानक से आता, हम स्किप करके निकल जाते हैं कि यार इसको बाद में देखेंगे, वो बाद ही रह जाता है, कभी हम देखते नहीं उसे। तो मैं शाम को जाके ये देखता था कि कौन से मेरे वीक टॉपिक्स हैं, किसको मैं ज़्यादा और इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, क्योंकि कल को वही क्वेश्चन आपका आसान आ सकता है उसी पेपर में, और जो आप जिस पर फुल कॉन्फिडेंट होकर जा रहे हो वही ऐसा टफ कर देगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा। तो ये थी आपकी प्रीलिम्स की तैयारी। अब हम आपसे पूछेंगे कि मेंस के लिए कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले वी अगेन स्टार्ट विद इंग्लिश, थोड़ा तो डिफरेंस होता है प्रीलिम्स और मेंस के, उसमें प्रिपरेशन में भी और ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन में भी, थोड़ा भी नहीं बहुत वास्ट डिफरेंस होता है। सो आपने एक तो प्रिपरेशन शुरू कब करी अपनी मेंस की, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, एंड आपने क्या डिफरेंट किया फ्रॉम प्रीलिम्स? मेंस के लिए ऐसा था कि अप्रैल तक मेरा ऑलमोस्ट नोट्स तो बना लिए थे मैंने, जनवरी से अप्रैल तक धीरे धीरे करके आलस में या कैसे भी मैंने नोट्स बनाए बस। उसके बाद असली तैयारी मेरी अप्रैल से शुरू हुई, जब मेरे अंदर थोड़ा लगा कि कुछ करना है, तो जब मैंने रिगोरस प्रैक्टिस करी तो 2 महीने मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करी, अप्रैल मई फुल प्रैक्टिस, कुछ नहीं और प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सिर्फ, कि मैं उसको इतना ट्रेन कर लूँगा कि अगर मैं एक जून को अगर मैं बैठा हूँ तो मेरे पास इतना हो कि बस प्रीलिम्स का एक मॉक दूँ जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट कि प्रीलिम्स दिमाग में चल रहा है। 1 जून से मैंने अपना मेंस स्टार्ट कर दिया था। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो मैं वही अपने मैम को जो फॉलो करता था उन्हीं को मैंने आगे भी फॉलो किया, तो मेंस का इंग्लिश में सच कुछ वो नहीं होता, बस लेवल ज़्यादा चेंज हो जाता है। आप यहाँ देख रहे हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 पैराग्राफ का है, वहाँ पर आपका मतलब काफ़ी सारे वर्ड्स का वो पैराग्राफ आता है, और उसमें भी आपके मान लीजिए इंग्लिश के प्रीलिम्स में कि वर्ड स्वैप और पैरा जंबल और ये सब अलग अलग आ रहे हैं, मेंस में इन्हीं का कॉम्बिनेशन आता है, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैरा जंबल डाल देगा या उसमें कुछ वर्ड स्वैप कर देगा, पैरा जंबल में वर्ड स्वैप हो गया या मैच द फॉलोइंग कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, वो कुछ पैरा जंबल में उसने वो कुछ वो कैप का पूछ लिया, ऐसे मिक्स क्वेश्चन, डराने वाले क्वेश्चन इंग्लिश में ज़्यादा आते हैं एक्चुअली अगर मैं मेंस की बात करूँ तो। और मुझे जो लगा कि मेंस में इंग्लिश इतनी मुझे टफ नहीं लगी, कोई भी किसी भी लेवल का मेंस हो, चाहे क्लर्क मेंस हो चाहे PO मेंस हो, इंग्लिश आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट था और हमेशा रहता है। आपको शुरुआत में ज़रूर डर लगेगा कि इंग्लिश कैसे होगी, लेकिन एक टाइम के बाद आपको लगता है कि ठीक है, आपको मतलब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, पैरा जंबल के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, ये सब अलग अलग अपना माइंड अपने आप समझ जाता है। तो मेंस में मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया था इंग्लिश में, बस ये कि जो मिक्स पैटर्न है वो करते रहो, कि अगर मैं वही वाली बात, अगर मैं हार्ड लेवल को कर रहा हूँ तो प्रीलिम्स का वो होता रहता था, इंग्लिश में तो मैं यही करता था नॉर्मली। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ये तो था हमारा इंग्लिश का प्रिपरेशन जो कि आपने ऑफकोर्स हैज़ बिन योर वेरी गुड सब्जेक्ट और उसमें आपने और मेहनत भी करी है, इसीलिए यू स्कोर्ड वेल। अब आएंगे हम रीजनिंग पे, जो कि जैसे कि मैंने पूछा था कि मेंस के लिए रीजनिंग थोड़ा सा और टफ होता जाता है और सिलेबस भी वास्ट हो जाता है, उसके अलावा आपने जो प्रिपरेशन करी उसका और उसका फ़र्क, और आपका एक्चुअल एग्ज़ाम में कितना सारी स्ट्रैटेजी काम आ पाई ये भी बताइए प्लीज़। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग काफ़ी टफ लेवल पर हो जाता है मेंस में जाके, तो मतलब जो भी आपके टॉपिक प्रीलिम्स में होते हैं सबके आगे कोडेड वर्ड लग जाता है, सिलॉक्स है तो कोडेड सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन तो कोडेड ब्लड रिलेशन, या फिर कोई भी है उसके आगे कोडेड लगा के वो हार्ड कर देते हैं, और 1-2 टॉपिक हैं जैसे मशीन इनपुट हो गया या और भी चीज़ें, ये सब ऐड हो जाती हैं। तो इसके लिए भी पहले मैंने सोचा कि रीजनिंग स्टार्ट करनी है तो एक काम करते हैं कि थोड़ा जुलाई से देखेंगे, जून में एक बैच कम्प्लीट कर लेते हैं। तो मैंने मेंस का बैच एक लिया था तो वहाँ से मैंने रीजनिंग अपनी स्टार्ट कर दी, सौरभ सर को मैंने फॉलो किया है, वो पढ़ाते हैं, तो मेंस का उनका एक बैच लिया। तो मैंने जब देखा तो समझने लायक जो चीज़ें मुझे लगी वो थी जो कोडेड वाला पार्ट है, कि मैंने मेरे को ये प्रीलिम्स का आ गया तो कोडेड वाला पार्ट मैंने समझ लिया, बाकी सीटिंग पजल और अरेंजमेंट, ये सब सीटिंग अरेंजमेंट और पजल मैंने जब देखा तो वो देखा तो उसी का बस एक ख़तरनाक वो था वर्जन और कुछ नहीं था। तो फिर मेंस में आपको हमेशा रीजनिंग के टाइम पे भी, ओवरऑल मेंस के टाइम पे भी आपको काम रहना चाहिए, काम और कॉन्शियस रहना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी टाइम आया, मतलब कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है, मेरे को मेंस की पजल बनाने में 1 घंटा भी लगा है कभी कभी, 1 पूरा आवर एक मेंस की पजल बनाने में लगे क्योंकि बहुत बड़ी पजल आती है। तो मेंस में मैंने ये किया था कि ज़्यादा उस पर कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। 2 घंटे अगर मैंने दिन में, मतलब मैंने वो बाद में 2.5 घंटे कर दिए थे मेंस के टाइम पे, अगर मुझे 2.5 घंटे रीजनिंग पढ़नी है
तो मुझे इस तरीके से करना है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, कभी ये नहीं देखना कि इतने टाइम में हो रहा है उतने टाइम में हो रहा है, क्योंकि आपको मेंस के एग्ज़ाम में जाके भी कुछ ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करना, आपको थोड़ा वो इतना करना है कि इतना हो जाए, आप सारा अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो मेरा ये रहता था कि कितना भी टाइम लगेगा, बस मेरा माइंड का जो नॉलेज का सर्कल है वो बढ़ रहा है, मेरे जो ब्रेन जो स्किल्स हैं वो शार्प होती जा रही हैं, तो वही मैं करता था। बड़ी पजल है, कितना भी टाइम लगे, 40 मिनट 50 मिनट आराम से बनाता था बिना किसी टेंशन के। एक दिन ऐसे पजल कर लिया, और किसी दिन पजल और मिसलेनियस ये सब मिक्स कर लिया मैंने, कि आज मैं कोडेड सिलॉक्स कर लेता हूँ, आज मैं कोडेड ब्लड रिलेशन कर लेता हूँ, ये सब चीज़ें मैं साथ के साथ करता रहता था। और इसी तरीके से आगे बढ़ते चलोगे तो आप एक टाइम के बाद आपका ब्रेन और हमेशा ही अपने आप ही शार्प हो जाएगा। मशीन इनपुट थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ध्यान दिया, लेकिन वो अलग बात है कि मेंस में जब आप जाओगे, पीयू मेंस में स्पेशली, वो ऐसा पैटर्न होता है कि आपको हवा ही नहीं लगती हो क्या आया है उसमें, तो हम कभी मार्क नहीं कर सकते कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था या ये नहीं था, बट यू हैव टू कवर एवरीथिंग थरोली। मेंस में ईगो प्रॉब्लम बहुत है कि एक आपका पजल आया तो उसमें 5 क्वेश्चन का सेट आया, तो लोग जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं मेंस का तो पज़ल बना लिया, मतलब पज़ल मैं घर पे करके आऊँ यहाँ पे भी बना के रहूँगा, बनाया तो उसके 5 क्वेश्चन करके रहूँगा। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन में भी कुछ कंसेप्ट डाल देता है, पज़ल आपकी पूरी सॉल्व है लेकिन क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा। कभी भी ईगो पे नहीं लेना चाहिए रीजनिंग में या किसी भी सब्जेक्ट में कि यहाँ रुक गए, 5 क्वेश्चन है तो बना के ही जाऊँगा। आपको कोई नहीं बाद में देखने वाला, सबका वेटेज सेम मार्क्स का है, तो आपको बस ये देखना है कि कहाँ से मेरे नंबर निकल सकते हैं, चाहे मेरे 20 मिनट मैंने पजल बनाई, चाहे मेरे उसमें से 5 में से 2 क्वेश्चन हुए लेकिन हो गए, आगे बढ़ जाओ, ब्लड रिलेशन करो, सिलॉक्स करो, चाहे उसमें 5-5 क्वेश्चन के सेट आएंगे, जिसमें एक बना दो बना इतने, मतलब आप ऑल, मतलब पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑफिसर लेवल का पेपर होता है 15-16 हो गए तो कट ऑफ पार हो गई। तो ये नहीं देखना कि मैंने तो पजल बनाई थी मुझे इसी को सॉल्व करना था, जहाँ से जो नंबर मिल रहे हैं खींचो, आपके ज़्यादा टाइम नहीं मिलता उसमें, क्योंकि बहुत तेज़ ज़्यादा टाइम, मतलब टाइम ज़्यादा मिलता है लेकिन हमें नहीं पता लगता कि चल रहा है, रीजनिंग होते रहता है। और एग्ज़ाम टाइम में जो अप्लाई हुआ वो ये हुआ कि प्रेशर काफ़ी आ गया, जैसे मैं RRBPO में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस में, साल का पहला एग्ज़ाम था तो माइंड में था कि करना है इसको, पार करना है इस बार, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया क्लियर ही नहीं हुआ। उसके बाद मेरे सारे एग्ज़ाम क्लियर हुए क्योंकि मैंने काम डाउन होके दिए थे। दूसरी चीज़ें जो एक लर्निंग की तरह लेनी चाहिए कि अपना एनवायरनमेंट हमको सही रखना चाहिए, जैसे कि मैं करता था अपने जो बेड है उस पर बैठ के अपना मॉक दे रहा हूँ, ये जो टच पैड होता है लैपटॉप का उससे क्लिक कर करके दे रहा हूँ कि वहाँ तो कर ही देंगे। RRBPO में ये बड़ा फील हुआ क्योंकि वहाँ पे आपका जो कंप्यूटर है वो इतनी हाइट पे है, जो आपका कीबोर्ड है वो वैसे मैकेनिकल वाला कीबोर्ड है, दूसरी चीज़ आपकी जो माउस की सेंसिटिविटी है उसमें बहुत लो रहती है, उसमें जो आपकी स्क्रीन आती है पेपर के टाइम में, मेरे लैपटॉप की कब फास्ट थी, मैं ऐसी क्लिक करके कर दिया, तो सबसे पहले घर आके वो लैपटॉप की जो सेंसिटिविटी वो स्लो करी ताकि मुझे क्लिक करने में थोड़े एफर्ट लगे, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे लोएस्ट पे काम करूंगा तो वहाँ जितनी भी स्पीड होगी मैं कर ले जाऊंगा, क्लिक कर लूंगा। ये बहुत माइनर डिटेल होती है, लगता है कि ये इन्हें कौन ध्यान रखता है जब देखेंगे, लेकिन ये बहुत काम आती है टाइम मैनेजमेंट में। तो इतना ही अप्लाई हो पाया वहाँ पे, बाकी तो प्रेशर तो होता ही है, वो प्रेशर ही नहीं लेना होता बस। बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे आसपास बैठे होंगे, आपको लगेगा कि यार ये पढ़ के आया होगा और मैंने इससे कम ही किया होगा, तो हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ के आया हूँ, तो जब सोचोगे तो आपका हो जाएगा क्लियर। रीजनिंग में तो इसी तरीके से था मेंस में, तो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी कि पूरा आपका एनवायरनमेंट वैसा हो जैसा एग्जामिनेशन हॉल में होता है, और आपने वो फॉलो भी किया टू प्रैक्टिस इट, एंड दैट हेल्प यू। जब आपने एग्जाम दिया तो आपके लिए इजी था थोड़ा, आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर हुआ था उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, और जो मेरी जो स्टडी टेबल थी वो भी एक लेवल पर रख ली मैंने कि अच्छा इतना लेवल होता है तो यहाँ से ऐसे सॉल्व करूँगा। और गर्मी धूप सब कुछ एकदम सारी कंडीशंस सब प्रिपेयर, क्योंकि आप जो घर से प्रिपेयर करके जा रहे हो ना वहाँ अपना 80% ही 90% ही परफॉर्म करने वाले हो, क्योंकि आप वहाँ ट्रैवल करके पहुँच रहे हो, आप शुरुआत में वो अपना वेरिफिकेशन वगैरह कराते हो, हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखते हो, इतने सारे लोगों के भी, अब इतने सारे लोग घर पर तो नहीं ला सकते, तो थोड़ी चीज़ें तो अप डाउन हो जाती हैं। तो हमेशा ये सोचना चाहिए घर पर अपना 101% दो, वहाँ पर 90% भी हो गया तो काम बन जाता है कोई भी एग्ज़ाम किसी भी तरीके का। एब्सोल्युटली। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वांट पे, और सिंस इट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपने कितना अच्छा स्कोर किया उसमें और कैसे किया? क्वांट्स में मेरी जो मेन स्ट्रेटजी रहती थी कि हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, सीखते रहना है, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप कभी भी ये नहीं कर सकते एक बुक पे डिपेंड होके आप क्वांट्स करे जा रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ मिस कर रहे हो, तो किसी न किसी एक फैकल्टी को फॉलो करो, जैसे मैंने आशीष अरोड़ा सर को फॉलो किया था शुरू से, उनका ही मेंस का बैच में पढ़ा हूँ, तो उनसे मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखा कि हर क्वेश्चन को कैसे नए तरीके से अप्रोच करना है। क्योंकि क्वांट आपका मतलब रीजनिंग में थोड़ा सा डिफाइंड है कि सिटिंग पजल ही तो आएगा, कुछ स्टेटमेंट ही तो आएंगे, उन्हीं को तो सॉल्व करना है, लेकिन क्वांट्स में ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन एक नया कंसेप्ट लेके आता है, मतलब
किसी में कुछ चीज़ लग रही है, किसी में कुछ चीज़ लग रही है। दूसरी चीज़ अरिथमेटिक पे शुरू से ही फोकस था, मुझे पता था कि सबकी तरह मैं छोड़ के चला जाऊँगा प्रीलिम्स में, वहाँ तो क्लियर कर लूँगा, मेंस में फंसा देगा। तो अरिथमेटिक की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग ली मैंने, पहले भी पढ़ रखा था, वो भी एक एडवांटेज था, थोड़ा सा एप्टीट्यूड हाई रहा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ मेरे को मैथ्स में। तो सारी चीज़ें पढ़ के गया था, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा मैंने मेंस में भी। और थोड़े नए तरीके के क्वेश्चन जैसे Q1 Q2 डेटा सफिशियंसी मैच द फॉलोइंग, ये कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, थोड़ा मिक्स पैटर्न पे मेंस का पेपर आता है, क्लर्क मेंस भी और PO मेंस भी, तो मैं उसके लिए भी रेडी होकर गया था। मॉक्स वगैरह तो रेगुलर चल ही रहे थे, तो एक फैकल्टी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी मेंस की प्रिपरेशन में क्वांट्स के लिए, क्योंकि वो आपको हर क्वेश्चन को करने का एक नया तरीका बताएगा। सेटिंग पजल अरेंजमेंट में आपका कोई नया तरीका, आपका एक फिक्स होता है कि मैं ऐसे बॉक्स बनाऊंगा, ऐसे सॉल्व करूंगा, लेकिन क्वांट्स में उतना नहीं होता, हमेशा आपको एक नई स्ट्रेटेजी चलना होता। तो वो सबके लिए मैं फ्लेक्सिबल होकर गया था, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, क्वांट्स तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है मतलब। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपने क्या सोर्सेज चूज करे सबसे पहले, और आपके लिए कितना आसान था जनरल अवेयरनेस बिकॉज इट वॉज बोरिंग फॉर यू, तो आपने उसको कैसे अपनी रेगुलर लाइफ में उसे इनकल्केट किया कि हाँ आई हैव टू स्कोर गुड इन दिस ऑल्सो? जनरल अवेयरनेस के लिए ऐसा कुछ मतलब स्ट्रेटेजी तो ऑब्वियसली ज़रूरी थी, लेकिन मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। बचपन में भी सोशल स्टडीज़ होता तो मैं स्किप करता था कि क्या करना है इसमें। तो जब सोचा कि जब बैंकिंग अवेयरनेस करनी है, मतलब बैंकिंग का जब सोच ही लिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा, बच के तो निकल नहीं सकते कि एक अलग से आपका सेक्शन आएगा ही आएगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, और अप्रैल से मैंने सही से स्टार्ट किया, क्योंकि सेप्टेम्बर में मेंस है, पहला मेंस RRB क्लर्क या RRB PO होने वाला था, तो मुझे पता था 6 महीने पहले का आएगा, तो अप्रैल ही वो था। तो मैंने कहा अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सुबह जो 7 बजे एक लेक्चर होता था, मतलब मैं उसकी रिकॉर्डिंग देखता था कि हर 12 बजे जब मैं स्टार्ट करता था अपना, तो सुबह सुबह लेक्चर होता था उसको कंप्लीट करता था, शाम को उसी की PDF आती थी, आपने एक बार पढ़ ली आपको दिमाग में आ गया कि क्या है। मतलब इतना ज़्यादा ध्यान तो नहीं देता था कि मतलब कि वीकली टारगेट मंथली टारगेट ऐसा तो नहीं देता था, लेकिन मतलब जो हमारे फैकल्टी हैं वो पढ़ा देते थे, रिवीजन करा देते थे, आज कोई करंट अफेयर है तो पुराना रिलेट कर दिया उससे कि मैंने उस दिन ये पढ़ाया था, तो वो रिटेन होता रहा, वही करवाते रहते थे, तो माइंड में भी रहता था। कुछ चीज़ थी स्टिकी नोट्स होते हैं, आपने लिखा दीवार पे लगा दिया, हमेशा आंखों के सामने रहेगा, जैसे मतलब एक एग्जांपल ब्रिक्स के मेंबर या फिर नाटो के मेंबर, इस तरीके से ये सब छोटी मोटी चीज़ें, टोटल मेंबर कितने हैं, वर्ल्ड बैंक कब बना था, ये बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चन अब तो मतलब मैं बताने लगूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन वो ये छोटे जो आपको लगा इम्पोर्टेंट आपने उसके स्टिकी नोट्स बनाए, वो ऊपर चिपका लिया, तो हमेशा सामने रहता था कि अरे हाँ इसमें इतने मेंबर थे, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ आपको वन लाइनर कभी ना कभी आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि करंट अफेयर सारा तो आप पढ़ नहीं सकते, वो तो एक तरीके का गैम्बल होता है जब एग्ज़ाम में जाते हो कि आपने पढ़ा वो आ गया। IBPS PO मेंस का भी याद है कि बहुत ज़्यादा डीप आया था, SBI PO मेंस का थोड़ा ठीक कहूँगा, लेकिन IBPS PO मेंस बहुत डीप, कुछ भी अलग ही पूछ लिया था। फिर भी आप मतलब, और साथ में MCQ की PDFs होती थी कि वीकली MCQ की PDF मैं रेगुलर फॉलो करता था कि दिन में सुबह क्लास चल रही है वो तो चल रही है, सर करा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन शाम को MCQ की PDF वीकली हमें करनी ही करनी है, क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे और नीचे उनका एक्सप्लेनेशन भी होगा कि ये बाकी ऑप्शन ये इसमें क्यों डाले गए हैं, ये भी न्यूज़ में इस तरीके से थे। तो पूरी PDF जब आप पढ़ते रहते हो तो वो कई कई बार आपको रिटेन होने लगती है धीरे धीरे। आपने अप्रैल की PDF को कितनी बार पढ़ा होगा, और जैसे सेप्टेम्बर है, सेप्टेम्बर से पहले जो अगस्त का महीना होता वो PDF मेरी बहुत बार रिवाइज हो गई अगस्त में ऐसा, क्योंकि अक्टूबर में अगर पेपर है तो भी अगस्त उसमें कॉमन आ गया, नवंबर में मेंस है तो भी, दिसंबर में मेंस है तो भी, तो अगस्त सितंबर ये सब तो ऐसे हो गई काफ़ी ज़्यादा बार रिटेन हो गए थे। वीकली MCQ पे ज़्यादा फोकस करता था मैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ होते थे वो भी एक फैक्टर था। दूसरी चीज़ ये होती थी कि अगर आपको ज़्यादा ही पढ़ना है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे RBI की मॉनिटरी पॉलिसी है वो आपको काफ़ी डिटेल में पता होनी चाहिए, और भी छोटी मोटी जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, SBI की इको रिसर्च आती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, इको रैप आती है, तो उसके लिए मंथली PDF आप फॉलो कर सकते हो। मंथली PDF आती थी कि मैं उसे सारी नहीं पढ़ता था, बैंकिंग अवेयरनेस को सेक्शन है, बिजनेस का सेक्शन है या इंटरनेशनल अफेयर्स है, वो पढ़ लिए उतना समझ आ गया, बाकी चीज़ें तो अपने आप ही माइंड में होने लगती थी। और जब बाहर जैसे दोस्त भी हैं जैसे तैयारी कर रहे हैं अभी भी या जो सेलेक्ट हो गए हैं, तो उनसे बातें करता था तो वो कहने लगे कि भाई तेरी तो GK अब अच्छी होती जा रही है, तो कॉन्फिडेंस आने लगा कि अच्छा चीज़ें अब रिटेन हो रही है, मैं भी थोड़ा वर्ल्ड अफेयर में, और पढ़ने में मज़ा आने लगा था एक टाइम के बाद, बोरिंग चीज़ में भी। हाँ, क्योंकि आपको आसपास की चीज़ें जानने को मिलती रहती हैं कि अरे इस स्टेट में ये हो गया, उस देश में ये हो गया, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा था कि दुनिया में इतना कुछ है पढ़ने के लिए, और हम हमेशा इन 3 सब्जेक्ट में ही रह जाते हैं, तो वो पढ़ने में बाद में मज़ा आने लगा। और एग्ज़ाम पास आते ही मैं अपना रिवीजन काफ़ी बढ़ा देता था, थोड़ा जो नई वीडियोज़ हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले तक का तो एटलीस्ट नहीं आने वाला पेपर, में 1 हफ्ते पहले तक था, तो
उसमें ये होता था कि उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया, तुरंत रिवीजन को इंक्रीज कर दिया. और उससे पहले जो है कि इंग्लिश क्वांट्स और रीजनिंग सब चले आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा साइड कर सकते हैं कि जीके का टाइम एंड में आके बढ़ा देना चाहिए. जीके जब 2 घंटे पढ़ रहे हो उसको 4 घंटे कर दो एंड आते आते मेंस, क्योंकि जब लगा हुआ है आपका, क्योंकि आप जो रीजनिंग और क्वांट में आप एक अप्रोच तो लेके जाते हो कि मैं ऐसे कर दूंगा, मेंस में वैसे कर दूंगा, मेंस आपकी सारी एक्सपेक्टेशन को ख़राब कर देता है. मेरा तो खैर पहला अटैम्प्ट ही था, मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसी लगा कि पूरा आपका जो प्लान है वो फेल हो जाता है वहाँ जाके. आप देखते हो कि ये क्वेश्चन तो मैं घर पे कर रहा था, यहाँ करूँगा, तो वो तो कभी होने वाला नहीं है वहाँ पे. सो एस्पिरेंट्स को समझना चाहिए, इवन इफ यू आर फेलिंग एट दैट मोमेंट, आपको लग रहा है कि आप फेल कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप फेल कर रहे हो. ऑब्वियसली आपको वहीं पे प्लान बनाना है, प्लान बी है, अच्छे से फेल हो गया प्लान सी, वहीं पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको. जैसे IBPS PO मेंस में मेरे साथ हुआ था कि हर साल ये होता है क्वांट टफ आता है, तो मैं भी ये सोचा क्वांट टफ आएगा रीजनिंग कर लेंगे. इस बार रीजनिंग का पहला सेक्शन खुला IBPS PO मेंस में, रीजनिंग टफ आ गया. तो कॉन्फिडेंस ऐसा लूज हो गया कि यार यही तो आसान आने वाला था और यही टफ आ गया. अब वहाँ पे भी खुद को बैक किया, टाइम तो जा ही रहा था, करना तो है ही, क्या पता आगे आसान हो, तो देखा तो क्वांट इस बार आसान आ गया. तो वहाँ पे जो मेंस में जो हार, वो हार गया जो इसने रीजनिंग को टफ समझ लिया कि अरे यार ये टफ है, इस साल तो होना नहीं है. क्योंकि मेंस का पेपर कॉन्फिडेंस सबसे पहले लूज डाउन करता है आपका सामने वाले का, तो फिर वहाँ क्वांट आसान आ गया. तो ये चीज़ें मैनेजेबल होती रहती हैं. तो वहाँ पे आपको करंट अफेयर बचा के ले जाता है कि मैं करंट अफेयर सही से पढ़ के आया, या फिर इंग्लिश मैंने पढ़ी हुई है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, निकाल के ले जाते हैं आपको. तो जीके में तो मैंने इसी तरीके से आखिर तक भी फॉलो किया था. मैं RBI असिस्टेंट मेंस भी देने गया था, तो 31st को भी, 30th of December को भी पढ़ रहा था. न्यू ईयर का मुझे पता था एक जनवरी को RRB क्लर्क का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन वो पिछली रात तक भी RBI असिस्टेंट में लगे पढ़े हैं कि जब तक कुछ हाथ में नहीं है तो कैसे, तब तक मेहनत करनी बहुत जरूरी है. हाँ बिल्कुल. तो आपने ये समझाया कि मेंस के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. अब आते हैं एक चीज़ जिसके लिए किसी को नहीं पता प्रिपेयर कैसे करना है. दिस इज सो रैंडम कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या हो सकता है क्या नहीं. सबका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट होता है, तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस आपके इंटरव्यू का, और आपने अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए तो मुझे भी कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे क्या करना है, लेकिन आए कि एक्सपोजर था, क्योंकि कॉलेज में 17-18 प्लेसमेंट्स में बैठने के बाद तो थोड़ा पता रहता है. लेकिन वो था कि वो तो सामने एक नॉर्मल इंसान मैनेजर बैठा होता है इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन जब मुझे पता है SBI IBPS में जाना है तो वह स्केल 7 स्केल 8 ऑफिसर्स मिलने वाले हैं, तो उसके लिए तो काफ़ी रेडी रहना पड़ता है. दूसरी चीज़ SBI में एक चैलेंज ये भी था कि GD मेन वहाँ पर वो भी करना होता था, तो फिर वही मैंने सोचा कि फाइनली न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम आ गया है, तो न्यूज़पेपर लगाया. इकोनॉमिक टाइम्स ही मैंने यूज़ किया था, क्योंकि वहाँ करंट अफेयर का पता रहता था. आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, पिछले 5 दिन का आपको आइडिया होना चाहिए. तो मैं एक जगह मॉक इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पे मतलब कुछ दिन पहले की बात है, तो वहाँ उन्होंने बोला कि आपका GD भी करा लेंगे, तो मैं डर गया कि ये तो इंटरव्यू के लाया था, GD की तो बात ही नहीं हुई थी. तो जब मैंने GD देखा, तो GD जब स्टार्ट हुआ तो मैं पैनिक कर गया, तो सब बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको मौका नहीं मिलता. मॉक की मैं बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पे मौका ही नहीं मिला, सब बोले जा रहे हैं. तो उस दिन के बाद मैं डर बैठ गया अंदर कि GD नहीं हुआ ना तो पूरी मेंस तक निकाल के लाए हैं, तो GD नहीं हुआ तो काम ख़राब हो जाएगा. तो घर पे आके फिर जितने भी कोशिश हो सकती, जितने पॉसिबल जो अफेयर्स चल रहे हैं इंटरनेशनली, सबको पढ़ा मैंने, और कोई भी योजना है PM योजना जितनी भी है सब पढ़ी मैंने काफ़ी डिटेल में. कुछ भी पूछा सकता है GD में, कुछ भी टॉपिक उठ के आ सकता है, तो उन सब पे मैंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया. और दूसरी चीज़, और PI की अगर मैं बात करूँ, तो उसके लिए मेन स्ट्रेटेजी थी कि अपने बारे में जान लेना सही से, और वो एक साल के मतलब कुछ महीने की प्रिपरेशन को आइडिया भी लग जाता है कि मेरा पोटेंशियल क्या है, क्या मेरे फेवरेट्स हैं, क्या मेरे डिसलाइक्स हैं, सब आइडिया लग जाता है. अपने सराउंडिंग्स, पढ़ाई, आपने जो भी करी क्यों करी, क्योंकि इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन यही था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आए हो, यहाँ पे क्यों आए हो. तो मेरा काफ़ी मतलब उन्हें आंसर काफ़ी पसंद आया था. मैंने बोला था कि सर जॉब्स नहीं है तो जॉब चाहिए, तो उनको अच्छा लगा. वो एक्चुअली कह रहे थे कि ऑनेस्ट आंसर है, कि मतलब हमें किसी ने आज तक ऐसा आंसर नहीं दिया कि जॉब नहीं थी तो मैं इधर आ गया, तो आपका काफ़ी ट्रू आंसर है. सब नहीं तो ये बोलते हैं कि मेरा इंटरेस्ट है इधर, ये वो है, काफ़ी ऑनेस्ट आंसर लगा उन्हें. तो इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन होती है काफ़ी डायनामिक है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आपको वहाँ कुछ नया ही मिलने वाला है. आप जा रहे हो कि अरे मैं इंट्रोडक्शन पूछेंगे, वो पहले कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पे आ गए, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो उनके बायोडाटा फॉर्म में पूरा लिखा हुआ है, वो जानते हैं आपको पहले से. और उसके पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हुआ था SBI PO में, तो उसमें वहाँ पे भी उसकी रिपोर्ट उनके पास पहुँच गई कि इसका माइंडसेट क्या है. वो क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा लेते हैं, मतलब उसमें क्वेश्चन 200-250 करीब क्वेश्चन आते हैं, तो बता लेते उसमें पूछते हैं कि
कि आपका नेचर फ्रेंडली है, आपको लोगों से बात करना पसंद है, कि आप दोस्त जल्दी बना लेते हो, अगर आपके साथ ये हो जाए तो आप क्या करोगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट में ऐसे होता है, तो पूरा एक ग्राफ बन के उनके पास चला जाता है, तो उसके आसपास ही वो इंटरव्यू पूरा चलता है। तो कभी मतलब मुझे सुनने में भी आया था किसी को ऐसे रोक लिया था कि आपने वहाँ तो ये टिक किया था, आप ये ऐसी पर्सनैलिटी यहाँ पे बन के क्यों दिखा रहे हो, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई तो वहाँ वो फंस गया। तो मुझे सुनने में आया था तो मैं कहा चलो ऐसे नहीं करेंगे, लास्ट ईयर हुआ था ऐसा किसी के साथ, तो मैंने सोचा ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, नेचुरल रहना है, ऑनेस्ट रहना है हमेशा इंटरव्यू के टाइम, नहीं पता मना कर दो, लेकिन जिस जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ का आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। SBI में तो मैं SBI के बारे में सारा कुछ पढ़ के गया था, एक डेढ़ साल से ड्रीम यही देखा था कि एक दिन SBI में बैठेंगे, तो उसके बारे में सब पढ़ के गया था। तो जब मैंने उनको SBI के बारे में इतना बताया तो वो खुश हो गए कि अच्छा ये तो अपने लिए ही आया है, तो सारा कुछ SBI के बारे में जान के आया। और काफ़ी सारी चीज़ें, बैंकिंग अवेयरनेस जो मैंने मेंस में भी पढ़ा था, यहाँ पे मैं उसका बैच दोबारा कंप्लीट करके गया, इंटरव्यू से पहले मैंने फटाफट से 2x स्पीड पे करके सारा बैच कंप्लीट कर लिया। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे उसमें से, मुझे पता है कितना कुछ पढ़ के आना नहीं है, लेकिन उन 2-3 में भी अगर मेरे 100% एक्यूरेसी नहीं है तो वो ये मार्क्स लूज़ करने वाली बात है। तो कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने मुझसे पूछी थी, NPA क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, और एक दो कंडीशनल क्वेश्चन थे अगर ऐसा हो जाए तो क्या करोगे, तो मेरे आंसर से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। IBPS PO में भी सेम ही हुआ था, इंटरव्यू काफ़ी लेट हुआ था लेकिन चीज़ें सेम थी, मैं थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया था उस टाइम पर, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके थे, मतलब उन्होंने टेक्निकल पे ना जाके वो पूरा पर्सनल लाइफ पे ही हो गया था इंटरव्यू, जो फाइनल इंटरव्यू। हाँ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट था अलग, और मतलब वहाँ लोग बैठे होते हैं, तो जैसे लोग बैठे हैं तो बातचीत तो होती है कि आपका कितना टाइम है, कि अरे यार मेरा तो तीसरा अटैम्प्ट है, मेरा फोर्थ अटैम्प्ट है, मेरा दूसरा अटैम्प्ट है, तो मैं सोचता था कि इनका तो हुआ नहीं तो मेरा क्या होने वाला है अब, तो कभी सोचा नहीं था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में भी चीज़ें क्लियर होती हैं, और ना कभी अपना इतना पोटेंशियल समझा था कि मैं कभी इस लेवल तक भी जा पाऊँगा। हमेशा मैं जो मेरी प्राइवेट जॉब थी मैं उसको अपना सच मानता था कि इतना ही अचीव कर सकता हूँ, बहुत पढ़ के आ गया हूँ और इससे ज़्यादा नहीं जा पाऊँगा, लेकिन वही है कि जब आप मेहनत करते हो दिन में, जब 300% 400% अपना देते हो तो चीज़ें सही में पॉसिबल हो जाती हैं। जैसा आप बता रहे हैं 11-11, 12-12 घंटे आप पढ़ते थे, तो ऑफकोर्स इट वॉज वेरी एविडेंट कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल ज़रूर मिलेगा आपको। थोड़ा स्पार्क था अंदर से कि करना है, क्योंकि कुछ फैक्टर थे जो मैं यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन काफ़ी उन्होंने पुश किया कि यार अब तो करके बताना है, दिखाना है, जो भी आप कह सकते हो उस चीज़ को। एक पर्सनल मोटिवेशन। हाँ, पर्सनल मोटिवेशन था, बाकी फैमिली के लिए भी कुछ करना था कि मतलब फैमिली की रेपुटेशन को बढ़ाना ही एक मोटिव था शुरू से। तो मैंने सोचा कि फिर मैंने अपना सोशल मीडिया कट कर दिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया, तो जब मेरे पास मैसेज आने लगे 3-4 महीने बाद कि अरे कहाँ हो भाई, दिखते ही नहीं हो आप, तो मुझे लगा कि हाँ सही ट्रैक पर चल रहा हूँ, लोगों को लग रहा है कि गायब है। हाँ, गायब हो गया है अभी। तो फिर 11-12 घंटे पढ़ने के बाद जगह वैसे भी नहीं बचती है लोगों के लिए। मैं तो घर पे ही पढ़ाई करता था, मैं लाइब्रेरी भी नहीं गया, मतलब घर पे 4 लोगों की हमारी फैमिली है, तो ऐसा कुछ वो भी था कि मैं गेट बंद कर लेता था कि आप अपना बाहर इंजॉय करो, मैं पढ़ रहा हूँ आराम से। तो फेवरेबल एनवायरनमेंट भी मिल गया आपको। हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा सब चीज़ों ने हेल्प करी, और सपोर्ट तो ऑब्वियसली रहा ही है। तो इंटरव्यू के टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें फेवर में हुई, मतलब जैसे क्वेश्चंस जो पूछे, या तो मैं ही इतना ज़्यादा पढ़ के गया था कि जो उन्होंने पूछा मैंने बता दिया, कुछ भी चीज़ हो सकती है, लेकिन फाइनली कभी डर तो लगता ही है, लेकिन हो गया, मतलब इस बार 5 एग्जाम्स में हो गया। तो ये तो थी आपकी इंटरव्यू तक की जर्नी। इसके बाद सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये पूरी जर्नी में आपने, आपके हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें आपको लगती हैं कि ये बहुत मुश्किल हो गई थी मेरे को हैंडल करना, व्हाट वर द कॉम्प्लिकेशंस दैट यू हैड टू फेस, ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको फेस करनी पड़ी, जो आपको समझ नहीं आया, हाउ टू डील विद इट इस एक साल की जर्नी में? जो चीज़ें काफ़ी मुश्किल लगी वो था सबसे पहले मेरा टाइम मैनेजमेंट, मतलब मुझे पता था कि मैं 11-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी हालत भी पता थी कि मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, तो कभी कभी ब्रेक लेना भी ज़रूरी हो जाता, तो बीच में कभी जैसे हफ्ते में एक दिन ऐसा चला गया कि 6 घंटे पढ़ के शांत हो जाते हैं, अब सो जाते हैं कि नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो मतलब किसी किसी को लग सकता है 11-12 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन मैं एक्चुअली पढ़ता था मैं। और दूसरे चीज़ें थी कि जो पर्सनल जो थोड़ा सा होता था कि लोग बोलते हैं आखिर में आके कि अरे यार ऐसी जॉब मिलती, इतनी मुश्किल है मिलनी आज के टाइम में, और ये छोड़ के बैठा है और अब सोच रहा है कि 2000 वैकेंसी है, आती हैं बस, SBI PO बनने की सोच रहा है, तो वो सब छोटे मोटे जो स्टेटमेंट होते हैं, मतलब ना भी चाहो तो आपके कानों तक पहुँच जाते हैं कि अरे यार वो ना ऐसे बोल रहा था। और दूसरी चीज़ अपने साथ के जो फेलो मेट्स उनको देखना, कोई MTech कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, मतलब सबका करियर एक चल रहा है, चालू है, और मेरा रुक गया है इस टाइम, कि एक प्लेसमेंट हुई थी वो भी छोड़ दी, अब ये नहीं पता कि अगले साल होगा
नहीं होगा, बैठेंगे और लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटिंग था। मतलब मेन चैलेंज तो यही था कि रोज़ अपने आप को बैक करना कि नहीं करना है, रोज़ सुबह बैठना है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता था। एक बार बैठ गया तो फिर ठीक लगता था, हर नए दिन की शुरुआत करना हाँ वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता था कि कर तो रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आया तो फिर कैसे होगा, और ऑफिसर लेवल का पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, क्लर्क रह गए तो क्या होगा। मतलब कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, मैं एक बात बता रहा हूँ बस कि पर सब हमेशा ऊपर देख, हाँ हमेशा कि प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है, स्टेट बैंक में जाना है या फिर आरबीआई क्रैक करना है। आरबीआई असिस्टेंट भी क्लियर हुआ मेरा इस बार, तो मतलब हर तरीके के एग्ज़ाम क्लियर हुए। और मतलब माइंड को हमेशा ऐसे रखना कि आज मैं प्रीलिम्स को कर रहा हूँ तो माइंड को फास्ट चलाना है, आज मैं मेंस का पढ़ रहा हूँ तो मुझे अब माइंड को थोड़ा स्लो करके चलाना है। माइंड ट्रेनिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मेरा कल को क्लर्क का प्रीलिम्स है तो मुझे माइंड बहुत फास्ट चलाना है, और पीयू का प्रीलिम्स है तो मुझे फास्ट तो चलाना है लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस रह के काम करना है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते जाते रहते हैं, पता भी नहीं चलते, लेकिन एक टाइम बाद जब मतलब जब साथ भगवान का साथ होता है तो हो जाता है, मेहनत और भगवान का साथ होना बहुत जरूरी है। सो ये थी आपकी जर्नी यहाँ तक, आई एम श्योर काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को इंस्पिरेशन मिलेगी आपसे। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफकोर्स आपने 11-12 घंटे मेहनत करी है, दैट इज़ वाई द रिजल्ट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी रिजल्ट डे क्या था आपका? रिजल्ट डे तो मतलब काफ़ी सारे रिजल्ट डे रहे हैं, ये फाइनल वाला सबसे पहले वाला ही बता देता हूँ। जब मेरी तैयारी मेरी चल रही थी तो 1st of September था जब RRB क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला था, मतलब पता नहीं था आएगा, तो मैं कहीं बाहर था, पहला प्रीलिम्स का रिजल्ट था मेरा, कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था उससे पहले, तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो मैं बाहर कुछ सामान खरीद रहा था, तो मैं वो रोड पे ही जंप करने लग गया, मुझे नहीं पता था क्या हुआ उस टाइम पे। तो ये था कि पहला प्रीलिम्स क्लियर हो गया कि चलो रेस में है, कुछ कर सकते हैं। बाकी फाइनल रिजल्ट ये था कि मतलब प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, इसमें जॉब तो लगी नहीं है। फिर एक रिजल्ट था 1 जनवरी को जब RRB के रिजल्ट आते हैं, PO तो हुआ नहीं था तो क्लर्क का सोच रहे थे क्लर्क हो जाएगा, तो वो एक अलग लेवल की खुशी थी कि अरे चलो कुछ निकले ना निकले अब एटलीस्ट जॉब लग चुकी है। और दूसरी जब अगली बार जब रिजल्ट आया तो काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स थी कि SBI का रिजल्ट अब आएगा। इंटरव्यूज़ ओवर हो चुके थे, IBPS के इंटरव्यूज़ ओवर हो चुके थे, तो बहुत सारी चीज़ चल रही थी कि आ जाएगा। जनरली ये ट्रेंड रहा है ट्यूजडे को आता है, ये सब ने ही पकड़ लिया अब तो कि ट्यूजडे को ही देते हैं वो लोग, तो काफ़ी सारे ट्यूजडेज मतलब 7-8 ट्यूजडेज मेरे वेट में ही निकल गए कि आएगा। 2-2.5 महीने हो गए थे, 19th of March को मैं यही देख रहा था ये टॉपर स्टॉक ही देख रहा था अन अकेडमी की कि मैं भी कभी जाऊंगा, मौका मिलेगा अगर हो जाए तो करीब 2 बज रहे थे तो फादर ऑफिस में ही थे, बाकी सब घर पे थे, तो कॉल आया कि ऐसे रिजल्ट आउट हो गया है। तो मैंने सोचा कि बहुत लोग बोल रहे हैं रिजल्ट आउट हो गया, अभी कहाँ ऐसे कि कहीं भी नहीं हुआ। जब मैंने वो पेज हमेशा खुला, टैब मेरा हमेशा खुला रहता था, वो रिलोड करके देख रहा था, तो उस दिन मैं रिलोड किया नहीं, जब किया तो फाइनल रिजल्ट अनाउंस, तो सब ने ये बोला कि तू ही देख, तेरा रिजल्ट हमसे देखा ही नहीं जा रहा, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा वो था कि कितने छोटे टाइम में हो भी पाएगा नहीं, तो देखो तो रोल नंबर मैच कर रहा है, तभी भी भरोसा नहीं हुआ, 7-8 बार देखा सही से, तो मतलब मैं इमोशनल नहीं हुआ, मैं हंसने लगा कि यार फाइनली वो क्रैक हो गया, वो गई जर्नी हो गई, 2023 ऐसे ही निकल गया एकदम से, काफ़ी मतलब अनएक्सपेक्टेड सा था और भरोसा भी नहीं हुआ था, लेकिन वो मदर तो इमोशनल हो ही जाती हैं कि अरे हो गया, तो मैंने कहा क्या हो गया, कोई बात नहीं हो जाती हैं चीज़ें ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर शाम को सब ने आके फिर कॉन्ग्रेचुलेट किया, आपके लिए बहुत अनबिलीवेबल सी फीलिंग थी, ओवरवेलमिंग थी, तो आप प्रोसेस ही नहीं कर पाए। हाँ वो प्रोसेस ही नहीं हो गया, अरे SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर सेलेक्ट हो गया हूँ क्या मैं, तो फिर आगे आके प्रोसेस हुआ वो आपको? हाँ वो तो धीरे धीरे मुझे करीब 1 हफ्ता लग गया समझने में कि हाँ ठीक है अब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, और कभी कभी जैसे कोई कहता है कि अरे ये इनका ये वो सेलेक्ट हो गया, तो अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा कि एक टाइम ऐसा था कि मतलब ताना कह लो कुछ भी कह लो कि प्राइवेट जॉब है, अभी तो कम पैकेज है, अभी तो इतना ही कर पाएगा, लेकिन आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है कि मैंने वो जो पढ़ाई करी थी वो काम आ गई, तो काफ़ी अच्छा दिन रहा था वो, बिल्कुल एकदम भरोसा भी नहीं हुआ लेकिन दिन अच्छा रहा। लेकिन जब शाम को जब SMS आया कि IBPS की तरफ से आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रोविजनल सिलेक्शन है SBI PO, तो अच्छा मेरे नंबर पर आया तो हो गया है, कन्फर्म हो गया है, तो फिर खाना पीना पार्टी वगैरह की, तो काफ़ी अच्छा दिन था वो, सबसे अच्छा दिन वही था जिस दिन आपने प्रोसेस कर लिया। हाँ, कि नाउ आई एम फाइनली एन ऑफिसर। एक अप्रैल को तो फिर दोनों रिजल्ट आए थे, IBPS PO, IBPS क्लर्क, वो तो क्लियर हो नहीं थे, मतलब जब ये हो गया तो वो तो पता लग गया था कि ये हो गए ना, नीचे के सब निकलेंगे अब धीरे धीरे। SBI क्लर्क मेंस भी अभी रिजल्ट अवेटेड है अभी, तो खैर RBI असिस्टेंट मेंस भी क्लियर हुआ, तो काफ़ी अजीब सी फीलिंग थी कि यार मैं इतना भी कर सकता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
लवली, आपकी पूरी जर्नी से हमें भी बहुत सारे अच्छे इमोशंस मिले, और जैसा कि आपने बोला कि बहुत मेहनत करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे. प्लस द थिंग दैट आई नोटिस्ड इन यू इज कि आपको श्योरिटी नहीं थी कि आप करेंगे, पर आपने इतनी मेहनत करी कि एक दिन आया जहां पर आपने बोला कि नहीं मैं तो कर लूंगा, एक ही बार में करूंगा, और आपने शायद एक ही अटेम्प्ट अलाउ किया अपने आप को, और वो आपने कर भी दिखाया. दैट इज वेरी नाइस. हमेशा आपको ये सोच के चलना चाहिए कि 2000 सीट है, 3000 सीट है, एक मेरी है इसमें. हमेशा ये सोच के चलोगे ना तो हमेशा एग्जाम आपका क्लियर ही होगा. पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है. एब्सोल्युटली. तो ये थी आपकी जर्नी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपने एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किया. अब हम खेलने वाले हैं एक छोटा सा रैपिड फायर. आई होप आप एक ही अटेम्प्ट में उसके आंसर्स दे पाए. आपसे पूरी पूरी उम्मीदें हैं हमको. सो आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर? यस मैम. परफेक्ट, लेट्स गो. If you had a chance to change your name, what would your new name be and why? मुझे तो मेरा नाम ठीक लगता है, मतलब सुमित मेरा नाम है, इसका मतलब होता है कि अच्छा दोस्त. अपने नाम से काफी खुश रहता हूँ, लोग भी बोलते हैं कि अच्छा है. अच्छा नाम है. परफेक्ट. If you could know the absolute and total truth to one question, तो वो question क्या होगा? वो question तो यही होगा कि अगर सब चीज खत्म हो जाए तो क्या होगा. Lovely. What's the most interesting thing you have read or seen this year? अपने result का PDF. What is the most important object that you own? जो अभी मेरे पास है. है सच मुझे कोई मतलब मेरा फोन ही मैं मानता हूँ. हाँ. Okay. What is that job that you'll be absolutely horrible at? खाना बनाने में. बिल्कुल नहीं आता. ऐसी कोई movie that everybody has seen पर आपने नहीं देखी? Movie नहीं, web series है. Family Man कहते हैं कि देखनी चाहिए, मैं आज तक नहीं देखी. It's a nice one, absolutely. What is your dream job and what makes it so amazing? मेरा ड्रीम जॉब तो यही है जहाँ मैं आना चाहता था, यहाँ मैं आ गया, और आने वाले टाइम में भी इसी में ही मैं एक्सेल करना चाहूँगा. ब्यूटीफुल. व्हाट इज समथिंग दैट मोस्ट पीपल डू इट इजीली बट यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट? मैं तो खाना बनाना ही कहूँगा इसको. मुझे नहीं आता. इफ यू हैड टू वर्क बट डिडंट नीड द मनी, व्हाट वुड यू चूज टू डू? पोएट्री. पोएट्री. वुड यू लीव योर होम टाउन फॉरएवर और स्टे इन योर होम टाउन फॉरएवर? स्टे. स्टे. इज देयर एनी ऐप दैट यू हेट बट यूज इट एनीवे? Instagram. Instagram. If you could change one thing about your upbringing, what would it be? खुश हो मैं. जैसा था बढ़िया था, जो जर्नी अच्छी थी. Okay. When things break, do you prefer fixing them or replacing them? Fixing. Fixing. What are you most looking forward to in the next 10 years? Next 10 years में जो मेरी organization है, मैं इसी में काफी ज़्यादा आगे जाने चाहता हूँ, जितना आगे जा सकता हूँ. बहुत ही बढ़िया. If you could learn any language fluently, what would that be? पंजाबी. पंजाबी. नाइस. व्हाट इज दैट वन फूड आइटम यू कैन नेवर गिव अप ऑन? मैगी. वेल दैट्स अ वेरी नाइस आंसर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो रैपिड. दिस इज फॉर यू फॉर बीइंग सो रैपिड फ्रॉम अस. थैंक यू. थैंक यू. अब आपको हमें एक टॉपर देना होगा जिसको हम नेक्स्ट बुला सकते हैं यहाँ पर और उनसे उनकी जर्नी जान सकते हैं. सो इट्स टाइम फॉर यू टू टैग अ टॉपर. मैं एक नहीं दो नाम लेना चाहूँगा. मेरे साथ मेरे ही SBI के इंटरव्यू मुझे दो लोग मिले थे, हिमांशु और मुकुल, मेरे ही ग्रुप में थे. उनका भी इस साल SBI PO क्लियर हुआ है. उनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है. आप डेफिनेटली उन्हें बुला सकते हैं और उनकी भी जर्नी सुन सकते हैं. सो ये तो हमने टैग किया टॉपर्स को, बट वी वांट अ मैसेज फ्रॉम यू टू आर एस्पिरेंट्स कि हाँ ये सारी बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड वी वांट यू टू मोटिवेट देम. मेरा मैसेज जो है एस्पिरेंट्स को यही रहेगा कि अपना डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से काम करते रहें. हम सबके अंदर एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है, कभी ये ना समझे कि मेरा क्यों होगा. हमेशा ये सोच रखनी चाहिए कि मेरा ही होना है अगले साल. तो ये हमेशा से अपने अंदर एक अचीवमेंट की जो फीलिंग है वो लेके चलनी है कि मैं छोटे छोटे स्टेप्स को रीच करके फाइनली अपनी जो डेस्टिनेशन तक एक दिन ज़रूर पहुंचूंगा और ये मेरा जो अटैम्प्ट है लास्ट अटैम्प्ट होगा. इसके बाद मैं इसको क्लियर करके ही आगे निकल जाऊँगा. और डेडिकेशन का सारा गेम होता है. आपको रोज़ पढ़ना है, कोई दिन कैसा भी है और कैसा ही मौसम है या जो भी फेस्टिवल है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको पढ़ना रोज़ है. थैंक यू सो मच. आपकी जर्नी बहुत ही अमेजिंग थी और एक अटेम्प्ट. यस मैम. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई एम श्योर आपने जितनी मेहनत करी है, बाकी सब बच्चे भी अगर इतनी मेहनत करें तो यहाँ तक पहुँचेंगे. शुरुआत में चाहे बिलीव हो ना हो, धीरे धीरे थ्रू द जर्नी यू गॉट दैट बिलीव एंड यू हैव डन इट. सो थैंक यू सो मच सुमित. दिस वॉज सुमित. हिज जर्नी वॉज अमेजिंग. काफ़ी कुछ सीखा उन दिनों भी जिन दिनों आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, उन दिनों भी उन्होंने 6-6 घंटे पढ़ाई करी है. सो येस, हार्डवर्क रियली पेज ऑफ. आई होप यू लाइक द वीडियो. Please, if you did, like, share and subscribe to our channel and let's crack it all together.